To those who were on hand to greet this man, a great destiny was shaping itself. This distinguished guest had brought with him the blessings of their homeland in the great struggle to be launched against Britain for Indian independence. Raj Bihari Bose declared, "As promised now, the Indian people will deliver for myself and to you all here that we meet today, so soon after our last conference in Solan. But events are marching fast these days, and our movement for the sacred cause of Mother India has made enormous strides in the 2 months since our conference at the end of April. Today, we are on the eve of the most vital, the most decisive phase of our fight for the freedom of our motherland. And I am confident that we are on the threshold of victory. When I left Sonan for Tokyo towards the end of May, I told you that I would be back in about 6 weeks, and I am here now. Friends and comrades in arms, you might ask me what I did in Tokyo for our cause, what present I have brought for you. Well, I have brought for you this present. In your presence today, I resign my office and appoint this Subhas Chandra Bose as President of the Indian Independence League. From now on, Subhas Chandra Bose is your president, your leader in the fight for India's independence. And I'm confident. श्री राजबिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नुमाइंदों बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है, मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें। इसलिए ये काम अगर करना है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम करना है तो हिंदुस्तान के बाहर हो सकता है, अंदर नहीं हो सकता। और अब देखेंगे कि दुनिया की तारीख में भी ये नई बात नहीं है
दूसरे इंकलाब ने तो इस जंग में देखो स्लोवैक्स ने क्या किया था, उन्होंने पेरिस और लंदन में जाकर पहले मरतबा उन्हें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट हुआ कायम किया, और इसका सौ सौ नई मिसाल में दे सकता हूं। इस तारीख की कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में एक नई बात है, और हमारे हमदनों को हम बताए जाएंगे कि यह काम तुम्हारे लिए करना था, लेकिन क्योंकि अंदरूनी हार देती है तुम्हें करना, हमें करना है। लेकिन इस आर्य हुकूमत का मकसद क्या होगा? सिर्फ लड़ना और हिंदुस्तान को आजाद करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम, लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विकसित परेड करेंगे, रास्ता सीधा है, हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आप इनमें कामयाब होंगे। इस रास्ते में हम क्या देखें, हम सब गुलाम हैं, हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, दीवतें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होकर। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है, बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। दोस्तों इसलिए आखिर में आपसे यह अर्ज नहीं है, जान बुझ कर खुली आंखों से पूरी मर्जी से कूदना है अगर आप कूद सको, और जो कुछ कीमत देना है भूख व्यास जीवन और तकलीफ और मौत का सामना करके, मैं जानता हूं आप में वो ताकत है, जान बुझ कर आप कूद पड़ेंगे और हिंदुस्तान को आखिर